नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी न्यूज। मैं वनिता आपके साथ। शोपियां में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सीआरपीएफ शिविर पर हाथगोला यानी कि ग्रेनेड फेंकने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने एक प्रवक्ता से कहा कि पुलिस ने विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले में शोपियां के रहने वाले एक संदिग्ध फाजल बिन राशिद को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि पूछताछ में राशिद के खिलाफ खुलासा किया है कि वह लश्कर ए तैयबा से जुड़े कुलगाम में बासिम अहमद के नाम के लिए काम कर रहा था। राशिद से पूछताछ में यह भी दावा किया गया है कि उसने 19 मार्च को सीआरपीएफ के बाबा पोरा शिविर में ग्रेनेड फेंका था। प्रवक्ता ने कहा कि पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस मामले में श्रीनगर निवासी एक अन्य आरोपी कैसर जहूर खान भी शामिल था। उन्होंने कहा कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी जांच की जा रही है। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस के दिन हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविरों पर ग्रेनेड फेंके, जिससे 3 कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। यह हमला उस दिन हुआ जब उस अर्धसैनिक बल ने जम्मू में अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर मनाया गया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। अधिकारी के अनुसार एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीरी के पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नोडल में सीआरपीएफ के 180वें बटालियन का पर एक ग्रेनेड फेंका। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 ट्रूपर घायल हो गए।